भिड़ती फॉल, भिड़ती फॉल का नज़ारा पहले आपको दूर से दिखाता हूँ मैं, फिर ले चलता हूँ पास। तो ये है फॉल, भिड़ती फॉल, और ऊपर रास्ता, थोड़ी धूप भी निकल रही है और ऊपर गांव वाँव तो नहीं लग रहा है। ऊपर गांव भी है क्या? कोई नहीं, कोई गांव नहीं है। अच्छा, और आगे जाना है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहाँ से नीचे आएंगे, और नीचे से हम बहुत ऊपर आ गए, थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। अभी और चलना है, उधर जाना है, ये पीछे कुछ रुकने का स्थान बना रखा है, बैठने के लिए बना रखा है, और ये ऊपर सारा पानी नीचे को। जब आप अकेले हो और जब आपके पास बैग हो तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बैग आपको डबल थकाता है क्योंकि आपका वज़न प्लस बैग का वज़न, और अभी हमारा बैग है बहुत भारी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। लेकिन चलो, ओवरऑल चढ़ाई हो गई है ख़त्म और अब नीचे ढलान आ गई है, तो भिड़ती फॉल के लिए अब नीचे ढलान चढ़ना है और हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पास में। ऊपर से पानी आता हुआ, और ये यहाँ से जाता हुआ, यहाँ चट्टान पड़ी हैं बड़ी बड़ी, बड़े बड़े टुकड़े पड़े हैं चट्टानों के। ये आ रहा ऊपर से पानी, और सामने एक गांव, भिड़ती गांव है वो, जिसके नाम पे ये फॉल का नाम भी पड़ गया है, भिड़ती फॉल। और हाइट है बहुत ऊंची फॉल की, बहुत ऊपर से गिर रहा है। शायद अभी तो सर्दी का टाइम है तो बर्फ़ जमी पड़ी है, लेकिन बारिशों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा, भिड़ती फॉल का फॉल का पानी बहुत ज़्यादा आ जाता होगा। फॉल के थोड़ा सा पास चलता हूँ, रुक जाओ, चट्टानों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से जाते हैं इधर को, यहाँ से पत्थर ऐसा भी लग रहा है गिर ना जाए। और ये है फॉल, नीचे पानी गिरता हुआ बिल्कुल, और यहाँ से आपको थोड़ा और नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ। इधर से इधर, और इधर, तो ये आ गया मैं फॉल के पास बिल्कुल। देखिए ये झरने की फुहार उठती हुई पूरी, यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है, तो इससे आगे आपको ले जाऊंगा तो मेरा कैमरा भीग सकता है, तो उसे देख लीजिए। ए ऊपर भिड़ती फॉल, पानी का स्प्रे सा उठ रहा है, छोटी छोटी बूंदें, बहुत छोटी छोटी बूंदें, बहुत ठंडा पानी है। चलिए चलते हैं ऊपर, हाथ पैर हो गए बिल्कुल ठंडे, गीले हो गए, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी, बहुत बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर ये इतने बड़े हैं कि एक भी फिसल गया और किसी पे गिर गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। भिड़ती फॉल देख लिया ऊपर और आप लोगों को दिखा भी दिया, अब नीचे आ गए हम मेन रोड पे। ये भिड़ती गांव है सामने, और ये कुछ दुकानें भिड़ती गांव में, ये चाय बनाई है आंटी ने, कुछ नहीं आंटी, बढ़िया चाय है, हाँ अदरक डाल के मस्त, बिल्कुल नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे हम बिल्कुल टॉप पे हैं तो नेटवर्क ना हो। अब तो लकड़ी वकड़ी पे बनाना बंद कर दिया सबने, लकड़ी पकड़ी फांसी बनाया भी, लकड़ी महंगा है, लकड़ी काट लो, लकड़ी काट सकते हैं, महंगा है ना बहुत ज्यादा, क्या महंगा है, लकड़ी महंगा है।
नहीं अगर काट लो तो खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं खरीदने पड़ता ना, ये चढ़ा रखा है मंदिर में, मंदिर में चढ़ाते ना यहाँ पे। क्या चढ़ाते हैं? जंगल चढ़ाते हैं। अच्छा, जंगल चढ़ाते हैं मंदिर में। हाँ चढ़ाते हैं, जो नुकसान करेगा उसको नुकसान होता फिर। अच्छा, जो नुकसान करेगा उसी को भी नुकसान होगा। अच्छा, जो काटेगा लकड़ी को उसका नुकसान होगा। हाँ, तो पहले तो लोग खाना बनाते थे यहाँ पे ऐसे। अब करने लगे ना, ज्यादा जंगल नुकसान हो गया तो। अच्छा, जंगल का नुकसान हो गया इसलिए भगवान के लिए चढ़ाते हैं मंदिर में। अच्छा ठीक, मंदिर में लकड़ी चढ़ा देते हैं, अब गैस पे ही बनाते हैं।